प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने किसानों के हित में कई योजनाओं की शुरुआत की। किसान सम्मान निधि उन योजनाओं में से एक है। खेती और बीज के लिए किसानों को आर्थिक मदद देने वाली इस योजना के लिए अब तक देश के करीब 11 करोड़ों किसानों के लिए जरूरी खबर। अगर आप भी किसान हैं और पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो आपको 31 जुलाई 2022 से पहले ईकेवाईसी कराना जरूरी है। केंद्र सरकार ने ईकेवाईसी की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। अगर आपने समय पर अपनी ईकेवाईसी नहीं करवाई तो आपके खाते में अगली किस्त का पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। 31 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के 8 साल पूरे होने पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत ग्यारहवीं किस्त की राशि ट्रांसफर कर दिया था। 10 करोड़ किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया गया था। सरकार ने 4 महीने के अंतराल पर 2,000 रुपए ट्रांसफर करती है। इस सरकारी स्कीम में किसानों के खाते में 6,000 रुपए सालाना ट्रांसफर किए जाते हैं। ऑनलाइन ऐसे कर सकते हैं ईकेवाईसी। ईकेवाईसी करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.pmkisanjeevi.in पर जाना होगा। यहां पर आपको दाएं कोने में ऊपर में आपको दिख रहा होगा ईकेवाईसी का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपको ईकेवाईसी का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप लोग थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, उसके बाद ईकेवाईसी पर क्लिक करना होगा। अब आपको वहां पर अपना आधार नंबर डालना होगा। इसके बाद आपके आधार नंबर पर जो नंबर आपके मोबाइल से लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको डाल देना है। उसके बाद आपकी ईकेवाईसी की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। किसान दो तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ईकेवाईसी कर सकते हैं। एक तो घर बैठे कर सकते हैं, दूसरी सीएससी सेंटर यानी कि जन सेवा केंद्र पर जाकर भी आप लोग अपनी ईकेवाईसी अपडेट करवा सकते हैं। इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास खेती करने के लिए 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। इसके साथ ही वह किसान हो, इसके तहत लाभ उनको मिल सकता है, जिससे कि अन्य तरह की सरकारी पेंशन का लाभ न मिलता हो। पीएम मोदी ने हर किसान के खाते में 2,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। आप फटाफट अपना खाता चेक कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं 31 मई को पीएम नरेंद्र मोदी ने शिमला में चल रहे आयोजन के दौरान ग्यारहवीं किस्त के पैसे ट्रांसफर किए थे। आप लोग अपने खाते को चेक करवा सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।